प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिगला पूरा एनसीसी ओडिया टीम मो सहित अच्छा आप टीम पूरा देखिपे 57 जन कैडेट जो मैंने ओडिशार आसुंच लगातार बासी ऊर्ध समय धरी मैंने सकाल प्राक्ट करते कि दिन पूर्व अलरेडी आम देखू जो पीएम से प्राक्ट सेसन में आसिक पार्टिसीपेट करते राजपथ परेड को जाते राजपथ परेड में सामिल होते आज जो पीएम को गार्ड ऑफ ऑनर दीजिए सामिल होते इन्हें अधिक आलोचना करवा आम सहित लेफ्टनेंट कर्नल ललित महापात्र सार रही सीधा साल सहित आलोचना करवा सार अलरेडी आपण सहित आम कथु जो मोमेंट को समस्त अपेक्षा थी से मोमेंट आज सरची बर्तमान पिलाने के सुधा बैक करेंगे और जो पिलाने आसते से भितर कि जोश थी और पूरा कार्यक्रम को देखिए कि ट्रेनिंग लास्ट 4 मास 5 मास धरिकी चलता एंड दिस वाज द कल्मिनेशन ऑफ दिस कंप्लीट ट्रेनिंग इवेंट आपण मैंने देखिपे सब पिला चेहर खुशी गोटे धार छुटी तो ये ग्रुएलिंग आउ ग्रुसम ट्रेनिंग जो थे मुझे सब बड़ दुश्मन थी बिकज आई वाज द पर्सन हु वाज डूइंग ऑल दिस थिंग्स तापर ए सर पर दे आर वेरी हैप्पी टू गो बैक विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम हियर ऑन 30th and 31st इवनिंग विल ऑल रीच बैक टू मदरलैंड ओडिशा सर नेक्स्ट ईयर को पुणी आम अपेक्षा करेंगे कहीं गोटे ह्यूज अमाउंट पिला एथर सामिल होते पाखापाखि 15 जन पिला राजपथ पैरेड को जाते तो पुणी सर सेमती अपेक्षा रही है नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली एंड वी हैव सेट द स्टेपिंग स्टोन नेक्स्ट ईयर द परफॉर्मेंस विल इवन गो हायर मच बेटर एंड आई एम श्योर इट विल हैपन आगामी वर्ष रे आमे मध्ये अपेक्षा रखिबु एमती पिला पुणी थार आसंतु सर आपण कोन रिएक्शन हिंदी में बोलूंगा मैं हिंदी में बोलूंगा क्योंकि मैं कल चक्रवर्ती एक्चुअली मैं आया था यहाँ पे सेंट्रल अपॉइंटमेंट के लिए बट ओडिशा को सपोर्ट करने के लिए स्पेशली आई एम वेरी थैंकफुल टू आवर DDG कि ही हैज गिवन दैट सपोर्ट टू द होल कंटिजेंट होल हार्टेड सपोर्ट एंड एबल गाइडेंस सो दैट वी आर हियर एंड वी आर होपिंग कि दिस टाइम विल गेट ए गुड पोजिशन ओवरऑल गुड पोजिशन Thank you. I just wanted to mention one point that this is because of our DDG's endeavor, yes. The Commodore Soumen Banerjee, his endeavor that this has come to this status. It is solely his effort, and he has selected each and every cadet. He has put in his hard work. He has maneuvered all around and gathered people, gathered resources, and we have reached here. थैंक यू समस्त उद्यम यहाँ सफल हुए यूएन कॉलेज प्रिंसिपल रही सी आ सर विजय सर कौन कहे कौन प्रतिक्रिया रखे आगामी दिन में जो एनसीसी कैडेट को आपन नहीं आसछन्ति चाहिबे से माने डिफेंस रे जानतु बोली हाँ सेटा प्राय जो मैंने वर्तमान RDC कैंप को आसंती समस्त प्राय आशा थाए जे से माने डिफेंस रे केमिती जॉइन करिवे काहेकि ना ओडिशा रो 85,000 पिलांक भितरु मात्र 57 जन पिला आसंती सेमानकर किछि निश्चित स्पेशल क्वालिटी रहिछि एवं समस्ते निश्चित चेष्टा करिवे जे सेमाने चेष्टा करिवे सबुबळे किमिति डिफेंस रे जिवे एवं देशर सेवा करिवे एवं आउ आमर NCC एक्टिविटी कथा कहिबा कहले बहुत भलो परफॉर्मेंस हम करूछु भलो रिजल्ट मध्ये नै कि जिवु किछि पोजीशन ले सर रिजल्ट डिक्लेअर हेछि कि ना वर्तमान सुधा किछि हेइनि केवल फर्स्ट एवं सेकंड सीटा डिक्लेअर करा हेछि आउ किछि वर्तमान डिक्लेअर करा हेइनि बाबूजो आज संध्या भितरे से बुडीको सब प्राय काली सकाळ भितरे सब बुडा डिक्लेअर होबो सर आगामी दिन रे जे भली भारवे 15 जन पार्टिसिपेट करले राजपथ रे तो सेमिति केते मोटिवेट हेबे पिला अधिक रो अधिक NCC आसे परन कि ऑलरेडी ह्यूज अमाउंट रे कि हमर ओडिसा टिके पछु को पळि जेला वर्तमान ठारु वर्तमान जो कमोडर सोमेन बनर्जी आसी गाइडेंस रे वर्तमान NCC निश्चित रूप से आगामी दिन बहुत आगे को जीवो नो डाउट पिला मानन को देखि परथबे अनेक पिला मा सहित अछन्ति तांका सहित मध्ये आलोचना करबा आपन को कॉलेज आसी एवं किभली मोमेंट को पूरा एन्जॉय करले मु बेस्ट कैडेट रे आसिली एंड मु कलाहांडी यूनिवर्सिटी रु आसी भवानी पटना रु आउ बहुत खुशी लागला इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम कि आम कॉलेज रु बेस्ट कैडेट एंड राजपथ रे दुजन आसिले एंड फोर ओडिशा नावल यूनिट लास्ट थर गोटे आसिले कैडेट एंड एथर 4 जन आसछंती सो वी आर रियली हैप्पी एंड थैंक्स टू कमोडर सोमेन बनर्जी सर तांको पई से जणे हिथिले जे आम सहित कंप्लीटली इंटरेक्शन करूथिले एंड से आम सहित सबबेले रहूथिले एंड बीइंग अ कमोडर बीइंग एन ऑफिसर से हमकु पर्सनल ट्रेनिंग दिचंती एंड थैंकफुल टू हिम लेडीज मानों को पाई खास करी स्टूडेंट मानों पाई गर्ल स्टूडेंट मानों प्रधानमंत्री बहुत भल कथा कहले NCC रे दिनक दिन से संख्या वृद्धि होउची एवं गर्ल चाइल्ड मानों को पाई गोटे डे स्पेसिफिकली डिक्लेयर करागला चलित वर्ष ठू सेलिब्रेट कराउची ए कथा को आपन के देखन
जेतेबेले कहा जाए कि नारी गोटे जेतेबेले उन्नति करुची तार पर्सनल ग्रोथ संगे द डेवलपमेंट जहाँ भी अच्छे सोसाइटी रा डेवलपमेंट सब बेले रेसिप्रोकेट हुए तो आई विल गो अलोंग विद द टॉपिक कि यहाँ ठीक थीओरीटा कि जदि जड़े पर्सनल ग्रोथ करुच्छे गोटे नारी पर्सनल ग्रोथ होउची देन डेफिनेटली सोसाइटी ग्रोथ हम एंड नेशन बिल्डिंग तो सही ही स्टार्ट हुए सो दैट्स ऑल निश्चित भाव नेशन बिल्डिंग हो किसी बॉयज आम सहित अच्छा से सहित कथा चलित बर्ष जी मात्र बॉयज आसते गर्ल्स आसते किसी डिफरेन्स तुम भितर थी कि सेमती किसी कंपिटिशन माइंड थी ना नर्माली गोटे फ्रेंड या भितर जो मसे दुमास समय कटेले नहीं एक्चुअली लास्ट ईयर भी सेम बॉन्डिंग थिला ड्यू टू कोविड केस से मानकर बहुत लॉस हो जाइछि ए ईयर समस्त फ्रेंडली बहुत बॉन्डिंग बढ़ी दि मास होला जो फ्रेंडशिप जो कैंप जितिक हेछि से मझिरे समस्त बॉन्डिंग एते हार्ड हो जाइछि कि सबू एनदर को कोऑपरेट करिवा लेखार अछन्ती जदि जण को प्रॉब्लम हुए तो एनदर हेल्प करिया लेके जहाँ भी प्रॉब्लम हुए तो सबू सपोर्ट करती जोड़ा जो समस्त किसी ना कि सुविधा हुए किसी सुविधा होनी बोली ना समस्त सपोर्टिव होती एंड बहुत स्टेट रिला जेहतु रुहति ये राजस्थान पिला उत्तर प्रदेश पिला हरियाणा पिला सब स्टेट जेहतु पिला रुहति से आटीच्यूड से कल्चर अनेक जिस मुझे शिखा को मिलती है तो ये मोमेंटा को आपते बड़ सुजोग हाँ यहाँ बहुत बड़ सुजोग कारण आम एटी रही राजस्थान पिला मिसी पार्छू महाराष्ट्र पिला मिसी पार्छू सब स्टेट रिला मिसी पार्छू तो आम कंट्री रिच एंड एव्री पार्ट रहा फ्रेंडसीप बन पार्छ इट्स वेरी कोऑपरेटिव इयर एंड फ्रेंडली नेचर तो किभली मोमेंट को आपण एन्जॉय करछथि पूरा डे 1 रु आज पर्यंत डे 1 रु हम तो आईजीसी 2 आरंभ करी प्रियाडिस 1 प्रियाडिस 2 प्रियाडिस 3 करलु तापर सिलेक्शन ओडिसा रु है कि आरडीसी दिल्ली रासी के पहुचिलु दिल्ली रे 17 टा डायरेक्टर रो सिलेक्शन पुनी हला राजपथ गार्ड ऑफ ऑनर रो प्रीमियर रैली सब डायरेक्टर रु किछि पिला राजपथ गले किछि पिला गार्ड ऑफ ऑनर सिलेक्शन हेले आउ सब ऑल डायरेक्टर रो 17 टा डायरेक्टर आज पीएम रैली थिला जोडा कि प्रधानमंत्री हमें पाखरे देखी पाइलु एवं तांकु पूर्वपुर केबे एते निकट रु देखिले ना केबे देखिनथिलु टीवी रे देखिथिलु टेलीविजन रे आज पूरा पाखरे देखिलु हम सब आसी कि फोटो भी उठेले बहुत खुशी लागिला आ हमें ओडिसा रु आसी कि रिपब्लिक डे रे प्रेजेंटेशन करि परछु दिल्ली रे बहुत खुशी लागुची हम पई गोटे गर्व ओडिसा को रिप्रेजेंटिव करि परछु आ एठी 17 रे डायरेक्टर रो माने हमें ओडिसा रे थिलु किछि अलगा डायरेक्टर मान को जान नथिलु दुनिया बिषय रे जान नथिलु तो सब स्टेट रो एठी पिला मान से तो मिसिलु फ्रेंडशिप करलु पल्ली रु आसी कि दिल्ली रे बहुत खुशी खिलु आज्ञा सेमती बहुत पिला सहित मिसिलु हिंदी ओडिया ओडिसा रे रहुथिलु ओडिया भाषा सिखिलु एठी दिल्ली रे आसला पर 17 रे डायरेक्टर सहित रहलु बंगाली हिंदी तेलुगु तमिल सब भाषा सिखिलु सब पिला सहित मिसिलु आमर एठी 45 डेज रो गोटे जर्नी थिला जोटा आज लास्ट डे थिला आज सफल बहुत खुशी दिन थिला आज पूरा मोमेंट आम एंजॉय मैडम आम सहित अच्छा रीताराणी मिश्र मैडम कौन कहे पूरा जो लेडीज टीम आपंकर केमती देखते माने प्रधानमंत्री जमती कहले दिनक दिन एनसीसी कैडेट्रे महिला संख्या वृद्धि हो गर्ल्स संख्या वृद्धि हो तो यहाँ गोटे भल सिग्नाल कि आगामी दिन में आम जो तीन सेना अच्छी से भितर इनवल्विंग ये गोटे भल सिग्नाल निश्चित भाव मु तो कहबी जमी आम फ्लाग एरिया हूँ लाइन एरिया हो सबुथे झील मैंने इनिशियाली नहीं आउ सबुथे झील मैंने बाहर की ही पुओं को सपोर्ट देते चलो आम मिसिकी जो भी पुओटे हारी जाते झीओटे तार हाथ धरिकी टाणी आणुच चल आम कर देखेबा यही जोशा प्रथम झील मान ही आरंभ हो आउ प्रत्येक झीओ को रेडी करिवारे मध्य मोर गोटे बहुत बड़ ये थिला जे से माने केमिति सकाळ उठिबे आउ केमिति रेडी हेबे आ मु मध्य सेमिति कहिबा गले गोटे प्रकार दुश्मन हे जाइछि से मानंकर सकाळ उठिकी से मानको उठैबा रेडी करिवा आउ ठीक समय रे से मानको पूर्वरु से मानको ठीक समय रे पहुँचैबा ए सब गोटे चैलेंज थिला आउ किंतु मु बहुत खुशी अछि कारण झीओ माने एतिकि सपोर्ट दैछन्थि जा फळ रे आमे आशा करछु जे जदि हमर रिजल्ट आसीबो झीओ मानक लागि टिके आगु को आसीबो तो हमे झीओ मानको पाई आगु को आसीबो जोश मत देखे कौन कह दिल्ली रो जो थंडा उड़ीसा थंडा माने बहुत डिफरेंस तीन चार डिग्री टेम्परेचर और सका तो आहुरी बहुत कम टेम्परेचर थाए से भितर उठवा अलसुआ लगे बहुत किसी लगे बहुत अलसुआ लगे बट मैम को आम ओडापी किसी करने सुजोग मिलूँ जिते बड़े आम हाथ छड़ा करने चाहूनु तो आज आम आम सक्सेस पहुँचीचु आरडीसी रो देढ़ मास सफर आमको एठी बीतवा पड़ी बहुत किसी सुनवाक भी पड़ी बहुत 57 ग्रुप तुम गर्ल्स आम 23 गर्ल्स अच्छा आ 23 भितर आम भितर बहुत कोऑर्डिनेशन अच्छी तो से आज आम लास्ट जाए ये स्टेबुल रही पार्छू तो
निश्चित भाव समस्ते आगक बढ़तु तो अनेक पिला अच्छा से एक्शन नवा समस्त जेहेतु लास्ट डे से उड़ीसा बैक करेंगे गोटे सबुठ बड़ जिन जो तुम शिखीच सेयार कर सब भल जिन जी 17 डायरेक्टर आमर अच्छा तो समस्ते किए हिंदी किए इंग्लीश किए बंगाली किए तेलुगु तो समस्ते एक भाईचारा हो रोचे तो सब भल लगुच जगह को जो टी रे देखुल जो जगह को आम स्वप्न था आम भी आसिक ये जगह चलू छोट बलू जिते स्कूल पढ़ु आम सीनियर मैंने जाते आसते आम देखु तुम जो नहींच तुम प्रथम मोटो कौन मैंने एनसीसी ना मैंने कहीं भाई एनसीसी ना जॉइन टू इंडियन आर्मी मोटो हूँ यूनिटियन डिसिप्लीन जोटा कि ये आसिक बहुत भल भाव आम जापर जे आम भाईचारा आमर जमी सबकि यूनिट हिसाब से डिसिप्लीन तो सब ये हिसाब से आज प्रथम थर मोदी को पाखे देख लु आठुआ बड़ खुशी कि नहीं प्रधानमंत्री को पाखर देखते अति निकट रू देख जोटा कि गोटे प्राउड मोमेंट कौन कह मैडम कहते हैं बहुत इनिशियल नहीं कौन एक्चुअली आम जो आसलु तो आम मो इवेंट स्पेशल फ्लाग एरिया था तो कंप्लीटली आम फ्लाग एरिया तीन टा छुआ आम सहित आम साथी मैंने तो फ्लाग एरिया बींग अ सिंगल गर्ल से मैम कहले कि इनिशिएटिव नहीं दैट्स अ प्राउड थिंग फॉर मी आउता बियंड रे भी आम लाइन एरिया कम था एमती थी कि सिचुएशन एटिकार सिचुएशन एनवायरमेंट आमको एमती बन दिए कि निज कम्फर्ट जोन रू बाहर केमती कम कर लिमिटेड टाइम थी आम उपर स्ट्रेस थी प्रेसर थी टाइम कम थी ता भितर आमको आर्मीर जो रुटीन था फॉलो करके आम बींग ए कैडेट से सब रुटीन को केमती फॉलो कर पार्बा से सब जिनस को ये शिखिलु कोऑर्डिनेशन डिस्ट्रिक्ट मैं कौ कलेज मु घर हूँ बोर्ड डिस्ट्रिक्ट बट मोर स्टडी करेवेन्शा यूनिवर्सीटी कटक रे एका सहित मोर यूनिवर्सीटी एज वेल एज मो डिस्ट्रिक्ट को भी रिप्रेजेंट करुच्चे मोप बहुत बड़ कथा एंड फर्स्ट अफ अल सब इंपोर्टेंट कथा कि मुझा को रिप्रेजेंट करोटे ओडिया आसी आज दिल्ली मटी एटी निज परिचय दूची निज आर्व भी अनुभव कर आज आम नरेंद्र मोदी सर को एत पाखर देख लु आम जो चीफ अफ डिफेन्स स्टाफ जीत थे चीफ अफ आर्मी चीफ अफ एयरफोर्स नेवी समस्त पाखे देख लु जो 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 गोटे एनसीसी पिला जो मुमेंट गोटे हुए राजपथ से आसती गोटे मोराल सपोर्ट बहुत मिले खास कर जो से प्रिपेयर हूँ प्रिपेयर टाक द्विगुणित करे आपको मोराल सपोर्ट बहुत थिला जेतेले माने आमे थकी जाऊ लिटरली दिन सारा आमर जो प्राक्टिस सेशन पर आमे थकी जाऊ बट जेतेले आमे सेही तांको यूनिफॉर्म देखी दो सेही एनवायरमेंट देखी दो तो से थकान कुआडे हजी जाए आमे पूरा हजी जाऊ आउ सेही काम रे समस्तक सहित मिसिकी से काम रे माती जाऊ एवं काम रे लागी जाऊ तो से थकावरण किछि जाना पड़ेनी अलग प्रकार जोश मन रे पळे आसे एबे भी जदि सब छ मान को गेदर कर देबे आपण करबा पई कहबे देन दे विल बी रेडी टू डू एनीथिंग निश्चित भाव के फ्लुएन्स से कथ हो देखिपुर थे बहुत खुशी अच्छा बहुत दूर बिलंगस करती कौन कह झी मेघना महांती स्पेशली आसली कल्चरल रे आमर कल्चरल भी बहुत भल बहुत सुंदर बहुत बढ़िया होता इवेन आमर जो ये एत सारा एत दिन 45 डेज आम ये स्ट्रगल कह गलम स्ट्रगल भी करूँ बहुत जिनस शिखिलु फर्स्ट थिंग इज आम टाइम पंक्चुअलिटी शिखिलु मैम कर सका उठिक चिले कि भगे कि बाहर 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 कहीकि इवेन इफ मैम टू आम गाड़ी माड़ के सही माने ऑन टाइम पहुंचे जो गार्डियन हिसाब से गाइड मैम आमको गार्डियन एबे तो 45 डेज पाई कि कौन मैम आमर एबे सब किछि मदर पेरेंट्स हिसाब से मैम एबे मैम पेरेंट्स सब मैम आमर ओडिशा रो दुर्गम अंचल कहतु बा भुवनेश्वर टाउन कहतु सब एरिया रु पिला माने आछन्ती आमर सहित जने एनसीसी कैडेट अछन्ती जे कि कोरापुट रु आछन्ती ओडिशा रो कोरापुट कथा कहले पूर्वरु देखिबे गुडे रिमोट एरिया बोली मध्ये कोआ जाउथला सेठी माओवादी को एक्टिविटी बहुत थिला से जगह रु जने पिला आछन्ती कोन कहबे जो रिमोट एरिया रु आपण आछन्ती सेठी वर्तमान रो स्थिति कोन अछि एनसीसी को नेकि काहेकि ना जो सब कॉलेज रे एनसीसी रो दिनोक दिन जदि कहबे प्रभाव विस्तार होछि पिला माने इंटरेस्टेड होछन्ती आपण कॉलेज रे के मोमेंट एवं राजपथ जो आसिले कौन एक्सपीरियंस गेन कर धन्यवाद सर मो नाम हूँ सचिन कतलेल मु कोरापुट डिस्ट्रिक्ट रु आसी तो मुझे चाहती मु जो कॉलेज रे पढ़ुची से कॉलेज रे वर्तमान एवं एसडब्ल्यू बा झील मैंने झील मानक एलाउ ना एनसीसी जॉइन होवार ए भुवनेश्वर एरिया एपटे भावुले झील मैंने एक्टिव अच्छा सोशल मीडिया रे एक्टिव अच्छा से जॉइन करें पाखे से कैपेबिलिटी अच्छी जॉइन करार कोरापुट डिस्ट्रिक्ट मु देखे ना जेबे मु आरडीसी जर्नी स्टार्ट अक्टोबर मसर तापर पर आम विक्रमदेव ऑटोनॉमस कॉलेज जयपुर 17 जन झील जॉइन कर एनसीसी
ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହୁଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିରେ ସେମାନେ RTC କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ସେଇ କଲେଜରୁ ଆସିଛି ଆଉ ମୁଁ ଗଲାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଗାଇଡ଼େନ୍ସ ଦେବି ଯେଉଁଥିରେ କି ସେମାନେ ସକ୍ସେସଫୁଲି RTC କ୍ୟାମ୍ପ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ଆଉ ରହିଲା ରାଜପଥ କଥା, ରାଜପଥରେ ମୁଁ ତ ପିଲାଦିନରୁ ସେ ଟିଭିରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିଲି। ବାପାଙ୍କୁ ଦିନେ ପଚାରିଥିଲି ଯେ ଏ ରାଜପଥ ଜିନିଷଟା କ'ଣ, ଏଠି କିଏ କିଏ ଆସନ୍ତି। ବାପା ମୋତେ କହିଥିଲେ କି ଏ ରାଜପଥରେ ଭାଗ୍ୟ ଥିଲେ ହିଁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ମିଳେ, ଆଉ ଏ ରାଜପଥରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଡିଷ୍ଟିଙ୍ଗୁଇଶ ପର୍ସନ୍ ଆସନ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସେମାନେ କିଏ, ଏ ଜିନିଷ କ୍ୟୁରିଓସିଟି ମୋ ମନର ଭିତରେ ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଥରେ ଚାହିଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ତ ଏ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଆସିକି ମୁଁ ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରି କହିବା। କୋରାପୁଟରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା ଆପଣ ପାଇଁ କେତେ କଠିନ ଥିଲା? କଠିନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କଠିନକୁ ମୁଁ ଜିତନା ରଗଡ଼ା ଉତନା ତଗଡ଼ା ବୋଲି ଗୋଟେ କଥାରେ ଅଛି NCCରେ, ତ ସେଇ ରଗଡ଼ାକୁ ତଗଡ଼ା କରିକି ମୁଁ ଆସିଛି। ଆଉ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହେଇନି, ବାଧାବିଘ୍ନ ବହୁତ ଆସିଥିଲା, ଗୋଡ଼ ମୋର ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ସିନ୍ ପେନ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୋର ସିନ୍ ପେନ୍ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ରାଜପଥରେ ଯେଉଁ ଦିନ ଚାଲିଲି ସିନ୍ ପେନ୍ ନାହିଁ, ବଥା ନାହିଁ, କଷ୍ଟ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ମୋମେଣ୍ଟ ଏମିତି ତିଆରି ହୋଇଯାଏ ଯେଉଁଟାକି ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ହୋଇକି ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତି। ବହୁତ କଷ୍ଟ ବି ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଥଣ୍ଡା, ସେମାନେ ଏତେ ଥଣ୍ଡାକୁ କେବେ ଫିଲ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ଘରକୁ ଛାଡ଼ିକି ପାଖାପାଖି 45 ଦିନ ବାହାର ରହିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କଠିନ ହୋଇଥିବ। ତେବେ ରାଜପଥ ପରେଡ଼ରେ କିଛି ପିଲା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣ ବୋଧେ ରାଜପଥ ପରେଡ଼ରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ, ତ କେମିତି ମୋମେଣ୍ଟ ଥିଲା? ରାଜପଥ ପରେଡ଼ ନା ଖାଲି ଗୋଟେ NCC କ୍ୟାଡେଟ୍ ନାହିଁ, ପୁରା ସୋଲଜର୍ସ ସମସ୍ତଙ୍କର ଡ୍ରିମ୍ ଥାଏ ଥରେ ରାଜପଥରେ ଚାଲିବାର, ଯେଉଁଟା ଚାଲିକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମାର୍ଚିଂ କରିବା ଗର୍ବର କଥା ବହୁତ, ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ଼ ଫିଲ୍ କରୁଛି। ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଆସିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ମୋମେଣ୍ଟ କେତେ ଖୁସି ଥିଲା? ବେଶୀ ଖୁସିର ମୋମେଣ୍ଟ କେଉଁଟା ଥିଲା, ନାଁ ଆସିଲା ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଡାଇନେ ଦେଖ ହୁଏ ରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେଉଁ ସେଲ୍ୟୁଟ୍ ଦିଅନ୍ତି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗର୍ଭ ସମୟ ଥିଲା ବସ୍ ସେଇଟା। କ'ଣ କହିବେ ଝିଅ, ଆପଣ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ କେମିତି ପ୍ରିପେୟାର କରିଥିଲେ? ମୁଁ ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରେ, ଆଉ ଆଜ୍ ଅ ବେଷ୍ଟ କ୍ୟାଡେଟ୍ ଆଇ ଏମ୍ ହିଅର୍ ଫ୍ରମ୍ ଓଡ଼ିଶା ଡିରେକ୍ଟରେଟ୍। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ଼ ଫିଲ୍ କରୁଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ଏମ୍ ହିଅର୍, ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେଶାଲି ଫର୍ ଅ ବେଷ୍ଟ କ୍ୟାଡେଟ୍ ନା ସାର୍, ଦେର୍ ଆର୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏକ୍ସପୋଜର୍ସ ବିକଜ୍ ୱି ହାଭ୍ ରିଟର୍ନ ଟେଷ୍ଟ, ୱି ହାଭ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ, ୱି ହାଭ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଡ୍ରିଲ୍, ୱି ହାଭ୍ କମାଣ୍ଡିଂ ଟେଷ୍ଟ, ୱି ହାଭ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ୱି ହାଭ୍ କଲ୍ଚରାଲ, ସୋ ୱି ଆର୍ ଦୋଜ୍ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଲାଇକ୍ ଦୋଜ୍ କ୍ୟାଡେଟ୍ସ ହୁ ହାଭ୍ ଲଟ୍ସ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପୋଜର୍। ୟେସ୍ ସାର୍ ଆଉ NCC ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯେଉଁଠିକି ଗୋଟେ କ୍ୟାଡେଟ୍କୁ ଆଜ୍ ଅ ଅଫିସର ଟ୍ରେନିଂ ମିଳେ, ଆଣ୍ଡ ୱି ଲିଭ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଫିସର କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍, ସୋ ୱି ଆର୍ ଭେରି ପ୍ରାଉଡ଼ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ବିକଜ୍ ୱି ଆର୍ ଇନ୍ NCC ଆଣ୍ଡ ୱି ଆର୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟିଂ ଆର୍ ଓନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ଡିରେକ୍ଟରେଟ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିଜ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ସେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଟିମ୍ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ପରେଡ଼ରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ବିଜୟ ସାର୍ଙ୍କଠୁ। ସାର୍, ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଯେ ଅନେକ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଛି NCCରେ, ତ ସେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ। ଆମେ ଯେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ NCC କ୍ୟାଡେଟ୍ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ, ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା କହିବା, ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି 70-73 ବର୍ଷର ରିପବ୍ଲିକ୍ ଡେକୁ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କଲେ, ପୂର୍ବ ଦିନର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନରେ କାହିଁକିନା ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆସୁଛି, ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧ ରାଷ୍ଟ୍ର କେମିତି ହେଉଛି, ଡ୍ରୋନ୍ର ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଲେ ରାଜପଥରେ, ତ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ଯଦି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଆଜି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ତାଙ୍କର ଭାଷଣରେ 2047 ଅର୍ଥାତ୍ 2047 ମସିହା କଥା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଏ ଭାରତ 100 ବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରିବ, ତେଣୁ ସେତେବେଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୁବପିଢ଼ି କେଉଁ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶକୁ ଆଗେଇ ନେଇଥିବେ ସେଇ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଟିକିଏ ହିଣ୍ଟସ୍ ଦେଇଦେଲେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ବହୁତ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଉଛି NCCରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଆସିଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ଆମେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ନେଇକି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ NCCକୁ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ହିସାବରେ ନେଇକି ପଢ଼ିପାରିବେ ଅଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ପାଇଁ। ୟେସ୍, ସବୁ ଆର୍ଟ୍ସ, ସାଇନ୍ସ, କମର୍ସ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ NCCକୁ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ ସବଜେକ୍ଟ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ 5-6 ବର୍ଷ ହେଲା ସେଇଟା ଡେଭଲପ୍ କରୁଛି। ତା ଛଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସ କୋର୍ସରେ ମଧ୍ୟ NCC ଓପନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାହେଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଚାହିଁବେ ନିଜେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ବା କଲେଜରେ NCC ଦେଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ସବୁ କଥା ଚେଞ୍ଜେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନରେ ସାର୍, ଯେଉଁ PM ସ୍ପିଚ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଯେଉଁମାନେ ଯେତିକି ସମୟ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଷଣ ଦେଲେ,
ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ କଥା କହିଲେ ସେ ଦିନେ NCC କ୍ୟାଡେଟ୍ ଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ ଏତେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣ ଭିତରେ ବହୁତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କ୍ୟାନସଲ ହେଇଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ NCC ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତାଙ୍କର କେବେ ବି କ୍ୟାନସଲ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ରାଲି କୌଣସି ବର୍ଷ ମୁଁ ଦେଖିନି କ୍ୟାନସଲ ହେବାର, ଯାହା ବି ସିଚୁଏସନ୍ ଆସୁନା କାହିଁକି। ଏଇ ବର୍ଷ ଆମ ପନ୍ଦରରେ ବହୁତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା, ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ରାଲିକୁ ଆସିବେ ନା ନାହିଁ, ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କର ରାଲି ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ହେବ ନା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲା ବହୁତ ଜୋର କୋଭିଡ୍, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲୁ ନା ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ସେସବୁ ଭୁକେମ ନ କରିକି ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ NCC କ୍ୟାଡେଟ୍ ଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏଠିକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଫଟୋ ଉଠାଇଲେ। ଭାବେ PM ମଧ୍ୟ NCC କ୍ୟାଡେଟ୍ ଥିଲେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଉଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ। ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ NCC କ୍ୟାଡେଟ୍ ଦେଖିଲୁ 57 ଜଣ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ରାଜପଥକୁ, ଯେଉଁମାନେ କିଛି ପରେଡ଼ରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ, କିଛି PMଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର୍ ଦେଲେ, କଲଚରାଲ ଇଭେଣ୍ଟରେ କିଛି ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ, ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ୁ, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆହୁରି ପିଲା ଆସନ୍ତୁ, NCC କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଉ, ଏହା ହିଁ ଆମେ ଶୁଭେଚ୍ଛା କାମନା କରିବୁ ଆଜିର ଦିନରେ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଗଗନ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।